Hey स्वस्थ होंगे, होंगे, बिंदास होंगे तो सभी जाएंगे और क्लास को शेयर करते जाएंगे सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट 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 वेलकम है मेरी क्लास में तो आज यहाँ पे हमारा टॉपिक होने वाला है क्या है हमारा टॉपिक नदियों के किनारे स्थित नगर ठीक है यहाँ पे नदियों के किनारे हम यहाँ पे जो भी टाउन्स हैं जो नगर है वो बसे हुए उनके बारे में हम कवर करेंगे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है देखो इससे पहले मैं आपको रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पूरा का पूरा करा चुकी हूँ भारत की नदियां नॉर्थ की है ना साउथ की सारी करा चुकी हूं हम बहुत सारा जो हमारा देख चुके हैं पूरा भारत का भौतिक विभाजन ठीक है पूरा का पूरा हम फिजिकल डिविजन भी देख चुके हैं भारत का इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे भारत के किनार, नदियों के किनारे तो शुरू करते हैं क्या स्टार्ट हो रहा है आपका एस एल का बैच स्टार्ट हो रहा है आपकी एप पे क्लास स्टार्ट हो रही है ठीक है तो यहाँ पे आप जरूर ज्वाइन करेंगे इसको फुल कोर्स एकदम कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा यहाँ पे ठीक है यहाँ पे मैं आपको जीके जीएस पढ़ाऊंगी सर पढ़ाएंगे आपको सर पढ़ाएंगे आपको मैम मैम पढ़ाएंगे आपको, reasoning, and man, आपको में ही ठीक है? है, चलिए, तो एकदम होगा ये और यहां पे आप एक voucher use करेंगे, code, करके जो आपका special दिया गया प्लस थर्टी फाइव परसेंट का ऑफ मिलेगा इसमें ठीक है तो ये आप याद से कर लेंगे जरूर है ना डेढ़ गुना वैलिडिटी के साथ अब मैं यहाँ पे आपको चीज बता दूं कि इसमें स्पेशल क्या है इसमें स्पेशल ये है

ओके okay, दूसरी चीज क्या होगी 300 प्लस क्लासेस के आपको नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ नोट्स ठीक है ताकि एग्जाम के समय पे आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सको तीसरी चीज आपको यहाँ पर 25 मिलेंगे टीयर टू के लिए मिलेंगे 20 टेस्ट आपको मिलेंगे किसके लिए पीवाईक्यू मिलेंगे फुल करोगे एंड थर्टी प्लस आपको टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर जो है मिल जाएगा ठीक है तो याद रखेंगे नहीं पड़ेगा पूरे वीक आपकी क्लास चलेगी मैराथन पीवाई क्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मैराथन रहेगी तो बहुत अच्छे बेटा देखो कहीं भी भटकने से बार बार अच्छा है कि हम एक जगह क्लास करते रहे ठीक है तो ये आपका कहा हो रहा है बच्चे एस एस सी ओली बोर्ड वाला जो हमारा प्लेटफॉर्म है जो अभी नया लॉन्च हुआ था वहीं पे हमारी क्लासेस का

वेरी गुड इवनिंग सभी को वेरी गुड इवनिंग एक बार मुझे थंब कर दो हमारा ऑडियो वीडियो सब ठीक चल रहा है या नहीं चलिए तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है अब ये नहीं पूछ रहा है कि भाई कौन सा ऐसा शहर है जो गंगा नदी के तट पर नहीं है ठीक है ये हमें आंसर करना है एंड क्लास को भी शेयर करते जाओ आप लोग चलिए ओके ठीक है आंसर करेंगे बीच ऑफ दिटीजा जो हमारी गंगा नदी है आप सभी को पता है भारत की सबसे ज्यादा पवित्र और पूजनीय नदी हमारी है ना हम गंगा को एक माँ के रूप में देखते हैं हालांकि भारत देश ही ऐसा है जहाँ पूरे नेचर को ही क्या है माता पिता भाई बहन इस तरीके से हम लोग देखते हैं ठीक है चलिए ओके okay, तो यहां पे उपेंद्र कह रहे हैं ऑप्शन डी होगा सौर्य कह रहे हैं दिल्ली होगा चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर ओके okay, गंगा की सबसे पहले याद रख लो बच्चे इसकी लंबाई क्या है ठीक है इसकी लंबाई कितनी है तो याद रखना है मैंने कहा था जैसे आप ट्वेंटी ट्वेंटी का मैच खेलते हो फिफ्टी फिफ्टी का खेलते वैसे हमें ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का खेलना है तो पच्चीस सौ पच्चीस किलोमीटर की इसकी लंबाई है गंगा की भारत की सबसे लंबी नदी है सबसे लंबी नदी है भारत की ठीक है ये भी आपको याद रखना है अब यहाँ पे कुछ बच्चे एक बार मेरे को एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम सबसे बड़ी तो हमें ब्रह्मपुत्रा दिखाई देती है ठीक है क्योंकि भाई उसकी लेंथ भी समथिंग कितनी है उनतीस सौ किलोमीटर समथिंग है उसकी लेंथ ठीक है लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से आती है तो उसकी लंबाई बाहर तिब्बत में ही ज्यादातर निकल जाती है भारत में तो सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य को ही कवर करती है ठीक है तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गंगा है पच्चीसो पच्चीस होगा बेटा पच्चीस सौ पच्चीस होगा चलो चल रही है चाहे रेलवे वाले पे चाहे एस एस सी वाले पे वो कंटिन्यू ही रहेगा उसके लिए परेशान नहीं होना वो क्लासेस ऐसे ही रहेंगी ऐप पे वो स्पेशल आपका एस एस सी सी एच एस एल और आपका सीपीओ सीजीएल इनके बैच ऐप पे लॉन्च हो रहे हैं ठीक है

मथुरा भी आपका यमुना नदी के तट पर है अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यमुना है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कहाँ पर है तो याद रखना जहां दिल्ली और आग... आ, दिल्ली और ये आपका आगरा है ना इनका जो बॉर्डर लगता है कुल मिला के? दिल्ली जहाँ पे समाप्त होती है आगरा का बॉर्डर यानी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लगता है गैस, उस जगह पे गंगा बहुत यमुना बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है बहुत ही ज्यादा ठीक है तो भाई अपनी नदियों के लिए भी हमें थोड़ा काम करना है घर में जागरूकता थोड़ी बढ़ाया करो हालांकि हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है कि हम जो चीज़ें विसर्जित करते हैं नदियों में वो हम लोग ना करें क्योंकि उससे क्या है हमारी नदियां कैसी हो रही है बेटा पॉल्यूटेड हो रही है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है इसमें तो आप तो आप लोग युवा हो बोला करो थोड़ा फैमिली में कि नहीं नदियों में नहीं बहाओ आपकी अगर मान्यता है आप नदी के किनारे रख दो अगर आपकी मान्यता है बाल्टी जल लेकर उसमें आप विसर्जित कर दो चीजों को है ना तो आपकी मान्यता है अगर उसी जल में करने की ठीक है तो थोड़ा सा ये करना हमारी नदियां बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो रही है चले ओके नाला बना दिया बिल्कुल सौरिया नाला बना दिया है यमुना को एकदम नाला बना दिया है नदी रही ही नहीं है बदबू आती है पता है इतना सड़ सड़ चुका है सड़, पानी नहीं सड़ा। इतना गंदगी है कि बदबू आती है जहां पे मैं रहती भी दिल्ली में वहां से भी एक यमुना की छोटी सी ट्रिब्यूटरी निकल के जा रही है एकदम ये मान लो लगता है कि कोई गंदा नाला है ठीक है तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है चलिए निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है चलिए ये कह रहा है गोमती नदी के किनारे कौन सा नगर नहीं है ओके okay, पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग आंसर करेंगे चली. तो गोमती नदी के किनारे नहीं है तो देखो यहाँ पे कौन सा नगर नहीं है मेरी क्लास में कौन बताएगा मुझे कि गोमती जो नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है चलिए ओके okay. मूर्ति विसर्जन करने से ज्यादा चलो भाई इंडस्ट्रियल वेस्ट से पॉल्यूशन होता है पर गवर्नमेंट उसका उसको बैन नहीं करेगी बिल्कुल बेटा जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है जैसे आपने देखा होगा जो हमारी दामोदर वगैरह है एकदम जैविक मरुस्थल बन चुके हैं क्योंकि आपका कहाँ से छोटा नागपुर के पठार से बहुत सारा कोयला वयला का अवशेष आता है ना नदियां एकदम डेड हो चुकी है ठीक है क्या ही कर सकते हैं चले हालांकि हम थोड़ा थोड़ा करेंगे कोशिश तो चीजें साफ होगी तो यहाँ पे सौर्य कह रहे हैं चित्रकूट ठीक है चित् क्या होगा बिल्कुल सही है चित्रकूट जो हमारा है ये क्या है गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है बाकी हमारा लखनऊ है जौनपुर है, सुल्तानपुर पूछा था कि नदी किसकी सहायक नदी या किसकी है ये मुझे कौन बताएगा क्लास में चले ओके आंसर करेंगे हमारा यहाँ पे गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है चलिए किस प्रांत की राजधानी स्थित है ये मुझे आंसर करो एन क्लास को भी शेयर करते जाओ चलिए गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती बिल्कुल सही है सोरिया बिल्कुल सही है गंगा की सहायक नदी है गोमती है ना बहुत सारी मेजर जो रिवर है गंगा की सहायक गोमती हो गई महानंदा हो गई कोसी हो गई आपकी घाघरा हो गई ठीक है और आपकी कौन सी है बहुत सारी गंडक बूढ़ी गंडक यमुना सोन बहुत सारी नदी है गंगा की सहायक चलिए ओके तो यहां पे क्या होगा मेरी क्लास का आंसर आ रहा है पटना सभी सभी आंसर आंसर करो, आंसर करो एंड क्लास को शेयर करते जाओ बिल्कुल सही है पटना हमारा क्या है क्या है कह रहा है? है गंगा नदी के तट पर प्रांतीय राजधानी स्थित है बिल्कुल सही है पटना स्थित है, है ना पटना जो है हमारा आपका किसके गंगा और सोन गंगा और सोन नदी सोन जो आपकी अमरकंटक से आती है इन दोनों के संगम पर हम कहते हैं पटना स्थित है ठीक है तो ये आपको याद रखना है बहुत बढ़िया वेरी गुड चलिए अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो कोलकाता है ये हुगली नदी किसके हुगली नदी के तट पर है हुगली नदी के तट पर है ठीक है भुवनेश्वर के पास से हमारी महानदी निकलती है कौन सी बच्चे महानदी क्योंकि महानदी को हम कहते ही ओडिशा की जीवन रेखा है लेकिन हमारा जो लखनऊ है ये किस नदी के तट पर है कौन बताएगा लखनऊ हमारा किस नदी के तट पर है चलिए कौन मेरी क्लास में आंसर कर सकता है ओके हाय नरेश जी वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग भाई सभी को मेरा गुड इवनिंग है सभी का मोस्ट वेलकम है क्लास में लाइक एंड शेयर करते जाएंगे और सीसीटीवी कैमरा बनके ना बैठे है ना मुझे अपनी निगरानी में ना रखें जरा कमेंट भी कर दो कि हाँ मैम हम क्लास में आ चुके हैं ठीक है चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर है है ना गंगा यमुना और जो अदृश्य सरस्वती है उसके जो इनविजल हो चुकी है सरस्वती मतलब सरस्वती क्या है बच्चे मतलब हमें दिखाई नहीं दे रही है एक तरीके से हम हरिद्वार है, है इलाहाबाद है या कर्ण प्रयाग है ठीक है चलिए आंसर करेंगे ओके प्रयागराज बिल्कुल सही है बहुत अच्छे वेरी गुड देखिए प्रयागराज प्रयागराज जहां पे हमारा महाकुंभ भी लगता है क्या लगता है महा कुंभ लगता है ये हमें पता होना चाहिए किस पे इलाहाबाद बे संगम है ना हम संगम कह देते हैं संगम पे हमारा महाकुंभ लगता है अब इसका नाम हमने क्या कर दिया प्रयागराज

नासिक में लगता है महाराष्ट्र महाराष्ट्र नासिक महाराष्ट्र में भी हमारा क्या लगता है बच्चे तो ये लगता है हमारा महाकुंभ गोदावरी नदी के तट पर गोदावरी ठीक है गोदावरी नदी के तट पर लगता है और एक और हमारा बच्चे क्या कौन सा ये लगता है हमारा मध्य प्रदेश यानी एमपी में उज्जैन में एमपी उज्जैन ठीक है एमपी के उज्जैन में लगता है किस नदी के तट पर तो छिप्रा नदी के तट पर किसके छिप्रा नदी ठीक है छिप्रा नदी के तट पर लगता है और यही पे फेमस बड़ा ही फेमस एक मंदिर है महाकालेश्वर का महा

अलकनंदा अलकनंदा ब्रह्मपुत्र के उज्जैन क्या कहना चाह रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को पूरा कमेंट करो बेटा है ना चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है तो भाई जो गोवा है उसकी जो कैपिटल है पणजी ठीक है वो कहां पर है ठीक है ये पूछा जा रहा है कहां पर स्थित है ये आंसर करो ओके एंड क्लास को शेयर भी करते जाएंगे जल्दी-जल्दी से क्लास को लाइक एंड शेयर करेंगे अच्छा बच्चा एक चीज पूछेंगे आपसे ये बताओ जैसे हमारी अभी लास्ट वीक से पूरा वीक हो गया हमारा जियोग्राफी ऑफ इंडिया चल रहा है ठीक है मैं क्या सोच रही हूँ मेरे को थोड़ा आइडिया देना आप लोग क्योंकि आप लोग को क्लास करनी है तो जो आप पसंद करेंगे मैं वही कराऊंगी मेरा एक रूल रहता है जो मेरे स्टूडेंट पसंद करेंगे मैं वो कराती हूँ ठीक है आप मुझे आइडिया दो मैं सोच रही हूँ आपने पूरे हफ्ते ज्योग्रफी पढ़ा थोड़ा बोरिंग आई थिंक फील हो रहा होगा मैं सोच रही हूँ अब ये नेक्स्ट वाला जो बीक आपका मंडे से मॉडर्न मॉडर्न इंडिया करा देंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री फिर हम नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे क्या हमारा फिर ज्योग्राफी ले आएंगे फिर नेक्स्ट वीक हम मॉडर्न हिस्ट्री तो ऐसे क्या है ना आपका थोड़ा सा डाइवर्ट भी होते रहोगे और टॉपिक्स भी साथ साथ जब तक आपका एग्जाम आएगा आपके दो सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे एक साथ कैसा रहेगा ये मुझे आप बताओ ठीक है चलिए ओके गंगा की सहायक नदी यहाँ पे मेरी क्लास आ रही है मांडवी देखो मांडवी बिल्कुल सही है मांडवी है कहाँ पर पणजी इसी के तट पर स्थित शहर है अब मांडवी नदी जो है बच्चे ये गोवा की प्रमुख नदी है इस पर एक जल प्रपात है हमारा कौन सा दूध सागर कौन सा दूध सागर अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम याद ही नहीं होता है दूध सागर या कोई भी जलप्रपात छोटी छोटी हिंट पकड़ा करो जैसे हमने कहा गोवा हमने गोवा का गो ले लिया गो गो यानी गौ गौ यानी गोधन हम पढ़ते हैं ना गोधन गोधन यानी भैया गाय

है चले देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ओके आगरा किस नदी के किनारे स्थित है अब देखो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही मैंने आपको डिफाइन कर दिया था कि जो आगरा है कहां पर सिचुएटेड है ये मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही बता दिया था ठीक है चले आंसर करेंगे क्लास को भी लाइक एंड शेयर करेंगे ठीक है चलो क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ तो कहां पर पर है अभी हमने जस्ट पीछे देखा था आगरा हमारा किसके यमुना नदी के तट है दो शहर है मेजर एक तो हमारा कौन सा है बच्चे, दिल्ली, एक तो हमारा दिल्ली है दूसरा हमारा क्या है बच्चा आगरा है तो ये दो शहर हमारे यमुना नदी के तट पर है ठीक है ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है यमुना को मैंने आपको बताया था किस नाम से जानते हैं कालिंदी के नाम से जानते हैं यमुना को किस नाम से जानते हैं कालिंदी तो आपको यमुना की जगह कई बार कालिंदी देते देता है एग्जाम में तो कंफ्यूज मत तो जाना ये कौन सी नदी दे दी है कालिंदी यहां लिख दे रहे हैं ठीक है कालिंदी ओके बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है ऑप्शन हमारा सी होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं, देखते हैं। देखते निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है नहीं पूछा है, है। भाई। नहीं है. नोट पूछा गया है कि भाई गोदावरी किनारे नदी के किनारे नहीं है कौन सा शहर नासिक राजमुंदरी नादेड़ और खम्माम। ठीक है कौन सा शहर नहीं है ये पूछा गया है चलिए क्लास को शेयर करते जाएंगे सभी शेयर अब देखो नासिक तो हमने अभी मैम देखा था पीछे महाकुंभ लगता है यहाँ पर महाकुंभ नासिक महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में अभी जस्ट हम देख के आ रहे हैं ठीक है है ओके लगता या नासिक महाराष्ट्र में राजमुंद्री भी गोदावरी नदी के तट पर है नादेड़ भी गोदावरी नदी के तट पर है खमाम हमारा जो शहर है वो नहीं है इसमें यानी ऑप्शन होगा हमारा डी क्या होगा बिल्कुल बहुत बढ़िया वेरी गुड सौर्या नरेश जी

तो कौन है बच्चे मनोज सिन्हा है वर्तमान में मनोज सिन्हा यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं ठीक है जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया कब दिया गया था बच्चे तो 31 अक्टूबर ठीक है फर्स्ट अक्टूबर 2019 को दिया गया था एक अलग क्या है यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी दो भारत में एक जम्मू एंड कश्मीर एक आपकी लद्दाख ठीक है जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं जे एंड के तो यहाँ के बारे में याद रखना ये किस किस की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये है केसर केसर की खेती के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यानी केसर उत्पादन में नंबर वन है बात करते है बच्चे लेवेंडर ठीक है लेवेंडर लेवेंडर की खेती के उत्पादन में भी नंबर वन है अब कहोगे लेवेंडर क्या है अभी बताते हैं आपको ठीक है तो याद रखना केसर हो गया लेवेंडर हो गया एक होते हैं आपके ट्यूलिप जो फ्लावर्स होते हैं ट्यूलिप ठीक है ट्यूलिप फ्लावर्स अगर आपसे पूछ लिया जाए ये भी फूल है ये भी फूल है कहां पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर पाए जाते हैं अब लेवेंडर क्या है ध्यान देना एक आपके पर्पल पर्पल कलर के यानी बैंगनी बैंगनी टाइप के फ्लावर होते हैं फूलों की खेती होती है काफी कॉस्टली भी होते हैं महंगे होते हैं क्योंकि लेवेंडर से क्या बनता है जो भी सुगंधित या खुशबू वाले पदार्थ होते हैं वे बनते हैं जैसे परफ्यूम हो गया इत्र हो गया खुशबू की अगरबत्ती धूप बत्ती कोई हमारी खुशबू वाली क्रीम हो गई ये सब चीजें हमारी बनती है लेवेंडर से तो बड़ा ही महंगा रहता है ये ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे ईडीयू यू कह रहे हैं ऑप्शन डी होगा नरेश कह रहे हैं बी चलिए सोरे कह रहे हैं झेलम 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 मेरी क्लास कहिए बिल्कुल बहुत अच्छे वेरी गुड क्या बात भाई, क्या? लग है भाई चाणक्य रहा है चाणक्य हो गए सारे के सारे हैं चले पढ़ाने का फिर को तो कोई फायदा ही नहीं है हम तो फालतू तो पढ़ा रहे आप लोग को है ना झेलम नदी बहुत अच्छे अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा झेलम को ही कहते हैं और ध्यान देना है है पूछा है पूछा पूछा जाता क्वेश्चन ये गया कि सबसे महत्वपूर्ण नदी जम्मू कश्मीर की कौन सी है तो भाई जीवन रेखा कहते हैं तो झेलम ही होगी ठीक है यहाँ की महत्वपूर्ण नदी झेलम ही है लेकिन याद रखना है चिनाब राबी व्यास झेलम और एक और है सतलज कौन सी है बच्चे सतलज ये किसकी सहायक नदियां सारी की सारी तो ये पांचों की पांचों सहायक नदियां किसकी हैं 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 बच्चे सिंधु की है. किसकी सिंधु की की किसकी सहायक नदियां ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ठीक है ये बहुत अच्छे से याद रखना है है क्लियर चलते हम आगे बहुत बढ़िया देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओके सूरत किस नदी के तट पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन अब ये मत कहना मैम जो पीछे पढ़ाए थे क्या वो पूछे नहीं गए थे सारे पूछे गए हैं है ना बस ये ये है कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाए जैसे अभी पीछे झेलम नदी वाला है वो क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछा गया बहुत बार ठीक है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे राप्ती नदी के तट पर कौन है छिप्रा नदी के तट पर कौन है नासिक जो आपका गोदावरी नदी के तट पर कौन है झेलम के तट पर कुछ मेजर रिवर है जिनको याद रखना है हमें ताप्ती हो गई नर्मदा हो गई ऐसी कुछ फेमस रिवर्स हैं जहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि भैया इन इनके तट पर क्या है कौन सा है ठीक है चलिए आंसर करेंगे क्लास को भी शेयर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे हमारा देखो

जमशेदपुर किस नदी के तट पर है जो जमशेदपुर है किस नदी के तट पर स्थित है आंसर करो जमशेदपुर पर सिचुएटेड है है ठीक ये आंसर करेंगे चलिए तो यहां पर कुछ दे रखे हैं दामोदर है रेखा है मयूराक्षी है एंड अजय नदी है ठीक है चलिए क्या लिखियो टाइम बहुत नशी निशी होना निशी होना मतलब समझ नहीं पा रही मैं गुड इवनिंग वैभव फतेह से फतेह तक वेरी वेरी गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग वैभव कह रहे हैं मयूराक्षी चलिए ओके सोन नरेश जी कह रहे हैं सोन नदी सोन तो है ही नहीं बेटा अच्छा पीछे थे आप स्वर्ण रेखा क्या होगा यहाँ पे स्वर्ण रेखा होगा मयूराक्षी भी नहीं होगा तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है ठीक है ये भी हमें याद रखना है बहुत अच्छे से अरे यहाँ पे तो पूरी क्लास के अलग ही अलग आंसर आ रहे हैं कोई कह रहा है दामोदर नदी के तट पर दामोदर हुगली की सहायक नदी है ठीक है कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है भाई बड़े ही अलग अलग आंसर आ रहे हैं चले देखते हैं हम आगे क्वेश्चन ठीक है ओके okay. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे ओके okay. नासिक किस नदी के तट पर है अरे अभी तो देख कर आए थे एग्जामिनर बड़ा ही नालाक टाइप का हो गया है बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है यही होता है एग्जाम में चीजें अगर पढ़ लेंगे तो बेटा वहीं से क्वेश्चन बनते हैं घूम फिर के बस लैंग्वेज चेंज होती है लैंग्वेज चेंज होती है बस नासिक नासिक कहां पर महाराष्ट्र नासिक कहां पर है बच्चा महाराष्ट्र में है ठीक है महाराष्ट्र में यहाँ पर ही हमने देखा था क्या लगता है महाकुंभ लगता है क्या लगता है बच्चे महाकुंभ लगता है ठीक है महाकुंभ लगता है यहाँ पर हमारा एक किस नदी के तट पर है तो ये गोदावरी नदी के तट पर है याद रखना किस नदी पर है गोदावरी नदी के तट पर है अब जब मैं आपको रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया करा रही थी तो मैंने आपको गोदावरी की वहां पर ट्रिब्यूटरी बताई थी चलो ठीक है अब देखो गोदावरी नदी की थोड़ी सी इसकी क्योंकि नदियों से क्वेश्चन बनते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी या इसकी सहायक अच्छा। नदियों से तो लिख लो थोड़ा सा जैसे इसकी जो सहायक अच्छा, नदी है, कौन सी है वर्धा। की। एक है, वर्धी, वर्धी। है प्राण हिता, हिता एक है पेन गंगा पेन गंगा ठीक है एक है वेन गंगा वेन गंगा ठीक है पेन गंगा वेन गंगा एक है आपकी इंद्रावती कौन सी बच्चे इंद्रा वती एक है मंजरी ठीक है मंजीरा मंजीरा एक है सबरी सबरी तो ये बहुत सारी इसकी क्या है सहायक नदी है और भी कुछ होंगी लेकिन ये ध्यान रखना ये कुछ हमने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इसकी नदियां देखी ठीक है किसकी आपकी गोदावरी की सहायक नदियां ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं अगला ये कह रहा है कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित शहर है चलिए तो जौनपुर है जौनपुर इज सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर चले ओके

है ना गंगा कह रहे हैं ओके नरेश जी कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा सरयू हमने पूछा है जौनपुर अच्छा मुझे ये बताओ जौनपुर किस किस राज्य में में है किस में है स्टेट जौनपुर ये बता दो बस मुझे ठीक है जौनपुर पूछा जा रहा है किस नदी के तट पर है तो कहां पर है बच्चे गोमती नदी के तट पर है किसके गोमती नदी के तट पर है जो सरयू कह रहे हैं बच्चे वो अयोध्या है कौन सा है अयोध्या है सरयू नदी के तट पर ठीक है याद रखेंगे ओके okay, ये बहुत अच्छे से क्या करना है याद रखना रेहन तो रेहंद नदी ही है रेहंद जो है रेहंद नदी ठीक है ये भी उत्तर प्रदेश में ही है रेहंद नदी यहीं पर एक आपका गोविंद बल्लभ के नाम पर एक बांध भी है इस नदी पे ठीक है याद रखेंगे ये मुझे बताओ कि जो जौनपुर है किस राज्य में है चलिए यूपी में है बिल्कुल प्रिया बहुत अच्छे जौनपुर कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में है और वो लोकेशन सारी यूपी की ही दे रखी थी है ना जो रिवर्स की थी चलिए निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है अब ये कह रहा है इनमें से कौन सी सिटी है कौन सी सिटी है जो किसी भी रिवर के तट पर नहीं बसी है है ना ये आंसर पूछा जा रहा है सूरत कटक भोपाल और मैसूर चले कौन सा नगर है जो किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है ठीक है आंसर करेंगे क्लास को भी शेयर करते जाएं चलिए अब देखो अभी हमने पीछे देखा था जस्ट कि हमारा क्या भाई जो महानदी है मैंने कहा था ओडिशा की जीवन रेखा कहते हैं ना तो अब देखो सूरत अभी जस्ट हम देखा के. के सूरत हमने देखा किसके था बच्चे ताप्ती नदी के किसके ताप्ती नदी के तट पर है सूरत गुजरात का शहर कटक हमने देखा भाई ओडिसा का एक शहर है किसका ओडिशा का एक शहर है किस नदी के तट पर है महानदी किसके है बच्चे महानदी के तट पर बसा हुआ है अभी जस्ट हमने देखा था ठीक है हमने देखा आंसर क्या होगा भोपाल होगा जो किसी भी नदी के तट पर नहीं है और मुझे कोई बता सकता है जो आपका मैसूर है किस नदी के तट पर है मैसूर जिसको हम आज की डेट में क्या कहते हैं बच्चे कर्नाटक कहते हैं जिसको हम आज की डेट में क्या कहते हैं कर्नाटक कहते हैं तो ये किस नदी के तट पर है कौन मेरी क्लास में आंसर करेगा चलिए ओ ताप्ती है अब हंसी भी आ रही है बिल्कुल बिल्कुल यहां पे भोपाल होगा किसी भी नदी के तट पर नहीं होगा चलिए मैसूर मुझे कौन बताएगा किस रिवर के तट पर है ओके गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर तो भैया हमारी जो गंगा रिवर है है ना इसके किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर हमारी नेशनल रिवर भी है गंगा आपको पता है राष्ट्रीय नदी भी है है ना और गंगेटिक डॉल्फिन हमारी क्या है राष्ट्रीय जलीय जीव है ना हम कह सकते हैं हमारा वाटर एनिमल है चलिए ओके ठीक है नर्मदा टुडे ओनली मी बेटा मुझे ये बताओ टुडे ओनली मी आपका मैसूर नर्मदा कहाँ से आ गया नर्मदा तो मैसूर कर्नाटक जाती नहीं है नर्मदा तो वहां तक जाती नहीं है जो मैसूर है मैसूर मैसूर कटक महानदी मैसूर किसी ने नहीं बताया है ना चलो मैं ही बता दे रही हूँ कर्नाटक से आपकी एक नदी बहती है कौन सी कृष्णा नदी ठीक है कृष्णा नदी बहती है तो भैया जितने भी कर्नाटक के जो शहर हैं वो कहीं ना कहीं कृष्णा के आसपास पड़ते हैं ठीक है ठीके? ये याद रखना चलिए कानपुर की हम बात करते तो आंसर होगा हमारा कानपुर गंगा नदी का सबसे बड़ा शहर इसके इस किनारे स्थित कौन सा है बच्चे कानपुर है कौन सा है कानपुर अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इलाहाबाद भी हो सकता है ठीक है याद रखना क्या होगा कानपुर होगा ये बहुत अच्छे से याद रखना है इलाहाबाद नहीं है सबसे बड़ा शहर कानपुर है ये बहुत अच्छे से याद रखना बाकी ये सारे शहर हमारे गंगा के तट पर ही है ओके क्लियर है चले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं अगला क्लास को आप लोग शेयर करते जाओ, ओके? निम्न में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? अब फिर ये कह रहा है कि यहां पे, पर नहीं बसा है ओके आंसर करेंगे तो कुछ शहर दे रखे यहाँ पे कानपुर अभी हमने देखा कि मैम अभी तो ये हमने देखा सबसे बड़ा शहर है गंगा के तट पर बसा हुआ बिल्कुल सबसे बड़ा है. है ना ये क्या है सबसे बड़ा जस्ट हमने देखा कि यहाँ पर कौन सा है ये कह रहा है गंगा नदी गंगा कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है ये पूछा जा रहा है, है ना कौन सा नहीं बसा है चलिए अब देखो यहाँ पे आ रहा है आंसर डेली वैभव कह रहे हैं डेली होगा प्रणाम प्रणाम भाई वीरेंद्र सक्सेना प्रणाम सॉरी फॉर लेट मैम ओके कोई बात नहीं लेकिन आठ बजे क्लास होती है हमारा जो पटना शहर है किसके किनारे गंगा और हमारी कौन सी सोन नदी है ना इन दोनों के संगम पर क्या है पटना शहर बसा हुआ है है ना जो हमारा पटना शहर है इसी के किनारे है दिल्ली हमारा किसके देखा था बच्चे दिल्ली और एक और शहर है आगरा ये दो शहर किसके यमुना नदी के तट पर यमुना नदी के तट पर है अभी जस्ट देख कर आए थे है? कहां पर ध्यान है चैट वेट तो नहीं हो किसी से कोई जीवन फ्यूचर बर्बाद कर रही हो हैं तो जो आपसे चैट वेट मैसेज वैसेज वैसे कर रही हो एक बार मैं पढ़ा रही थी एक बच्चा बोला मैं कह रही अरे इतना लेट लेट आंसर दे रहे हो एक बच्चा बार बार गलत कर रहा था तो मैं उसको बोली ऑनलाइन क्लास में मैं कह रही बेटा मैंने उसका नाम लेके बोला मैंने आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो तो कह रहा मैम ठीक है अब नहीं करेंगे गलत वो चैन नहीं लेने दे रही बार बार मैसेज करती है मैं क्लास कर रहा हूँ की, सा की अपेक्षा सीरियसली बता रही हो अगर मेरी क्लास में कोई लड़की हो तो बुरा मत मानना है क्यों मैं खुद एक लड़की हूँ लड़के लड़कियों की अपेक्षा थोड़ी इनोसेंट थोड़े चालाकी कम होती है लड़कियां चालाक बहुत होती हैं ये सच्चाई है सीरियसली लड़के लोग थोड़े मासूम होते हैं तो तुम लोग ऐसे मत आय करो चक्कर में चले सिटी ये कह रहा है स्टील सिटी राउर केला है किस नदी के किनारे है अब यहाँ पे हमें कि कहते हैं? राउर केला को, हमें एक और मिल गया किस के पूछा जा रहा है चलिए ओके तो जो भी चीज जिंदगी बर्बाद करे ना उसको एकदम दूर कर दो एकदम बढ़िया तरीके से ठीक है मासूम मासूम लड़के लोग होते हैं लड़कियां ऐसी उनका पता नहीं क्या पागल बनाई रहती है चलिए ओके देखते हैं यहाँ पे क्या होगा तो गाइस ये कह रहा है इनमें से कौन सी सिटी राउर देखा था मैम ये तो बिहार में है गंगा नदी के तट पर है कानपुर हमने देखा तो कानपुर तो है ही नहीं दिल्ली यमुना के पे कौन सा शहर बसता है इनमें से आंसर करो मेरी क्लास करिये सी अरे क्या बात है बहुत अच्छे बरौनी वेरी गुड कौन सा है बरौनी बरौनी हमारी एक रिफाइनरी भी है, है ना यही पे चले ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या अयोध्या किस नदी के तट पर है चलिए किस नदी के तट पर स्थित है अयोध्या जो आपका नगर है जहां पर अभी हाल ही में हमारा क्या बना है बेटा राम मंदिर बनाया गया है ना चलिए ओके ये बिल्कुल सही था बुलाती हम अगर जाने का नहीं वेरी गुड चलो ठीक है चलिए भाई बुलाती हम अगर जाने का नहीं है ना जिंदगी बर्बाद कर देती है चलो ओके ठीक है आज जब मेरी क्लास में मुझे और तो कोई लड़की दिख नहीं रही प्रिया दिख रही है प्रिया ने कोई कमेंट नहीं किया मैम हम भी होते हैं है ना बेटा मैं भी खुद लड़की हूँ लेकिन मुझे पता है लड़की इनोसेंट होते हैं क्योंकि देखो हम लोग के भाई भी हैं हम लोग का फ्रेंड सर्कल भी होता है लड़कियां ज्यादा चालाक होती है पता है लड़कियों में थोड़ा होता है ना चालाकी बहुत कूट कूट के भरी होती है बेचारे लड़के मासूम से होते हैं उनका दो में पागल बना देती है चलिए ओके सरयू क्या होगा हमारे सरयू नदी है अयोध्या के जो है सरयू नदी के तट पर हमारा अयोध्या है ठीक है याद रखना इसको बहुत अच्छे से चलिए बहुत बार क्वेश्चन बने हैं यहाँ से बहुत बार कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है तो भाई कावेरी है ना कावेरी नदी कावेरी नदी जल विवाद इसके बारे में देख लो थोड़ा सा कावेरी नदी जल विवाद अक्सर पूछा जाता है जो कावेरी नदी जल विवाद है किन किन राज्यों के बीच में है है तो तीन राज्य पे मेजर कौन सा है बच्चे एक तो आपका कौन सा है तमिलनाडु 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 ठीक ठीक है 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 दूसरा आपका जो शहर है, पे कौन सा है बच्चे यहाँ पे दूसरा है कर्नाटक ठीक है कर्नाटक है तीसरा हमारा कौन सा शहर है यहाँ पे केरल है कौन सा है बच्चे केरला है ठीक है ये भी आपको रखना है केरला है और यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी भी है यूटी जिसके बीच में भी यह जल विवाद चलता है यानी तीन शहरों के तीन तीन राज्य जो तीन स्टेट हैं उनके बीच में मुख्य रूप से कावेरी नदी जल विवाद यानी कावेरी जो रिवर है इसके जल को लेकर इसके पानी को लेकर बहुत विवाद चलता है कि भैया हमें इतना मिलना चाहिए उनको ज्यादा मिल रहा है हम उनको नहीं पानी रिलीज करेंगे ठीक है एक यूनियन टेरिटरी आपकी कौन सी पांडिचेरी कौन सी बच्चे पांडिचेरी है ठीक है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया इसीलिए मैंने करा दिया बहुत बार पूछा गया है ठीक है याद रखना है ओके ठीक चलिए दीपक क्या कह रहे हैं भाई यहाँ पे क्या क्या लिखते जा रहे हैं मेरी क्लास मैम सभी लड़की एक जैसी नहीं होती बिल्कुल बेटा सभी एक जैसी नहीं होती मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा ठीक है ओके मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि सभी एक जैसी होती हैं ओके टुडे ओनली कह रहे मैम साइंस के क्वेश्चंस लगा दो बेटा साइंस में नहीं साइंस आपको सैफाली मैम पढ़ा रही हैं। है ना साइंस आपको सैफाली मैम पढ़ा रही याद है याद रखना है कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है तो बच्चे कौन सा है तिरुचिरापल्ली है जो कहाँ पर है वर्तमान में तमिलनाडु में है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है इसको याद रखना ठीक है अच्छा यहाँ पे एक शहर और है हैदराबाद ये किस नदी के तट पर है तो याद रखना ये मूसी नदी के तट पर है जो मौसी जी है ना मौसी जी है ना जो मौसी जी अक्सर मम्मी से चुगली उगली लगाती रहती है कि तुम्हारे बच्चे बड़े ही ना लायक है और गुस्सा भी आता भी है भैया मौसी अपने बच्चों की तारीफ करती है हमारी दो चार बुराइया कर जाती है मौसी तो चली जाती है मम्मी के रैपटे वेपटे हम पे पड़ जाते हैं है ना तो वही वाली मौसी जी के तट पर है हैदराबाद चलिए साबरमती नदी की बात करते हैं किस शहर के किनारे बहती है किस किस की मौसी उनकी मम्मी के सामने आके ये बोलती है कि हमारा बच्चा बड़ा ही अच्छा भाई तुम्हारा बड़ा ही नालायक है किस किस की मौसी ऐसे बोलती है मेरी मौसी तो बोलती है मेरी तीन तीन जो है दो मौसी है मेरी छोटी वाली बहुत बोलती है उनको अपने बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिखता हम लोग की जब भी आएंगे अरे तुम्हारे बच्चे बड़ी नलायक है अब देखो हमारी नलायकों की शक्ल देखो कैसी ठीक है क्या होगा आंसर यहाँ पे तो साबरमती नदी के तट पर या साबर जो सावरमती नदी है किस शहर के किनारे बहती है कुछ याद आ रहा है सावरमती आश्रम से गांधी जी ने क्या चलाया था गैस है ना आपका दांडी मार्च है ना शुरू किया था कुछ याद आ रहा है चले. ओके नमस्ते अशोक, नमस्ते अशोक गुड गुड इवनिंग इवनिंग वेरी वेरी अच्छा जो भी बाद में आए हैं वेरी वेरी गुड इवनिंग चलो अच्छा प्रिया कह रही है मैम स्टील सिटी का एक बार फिर से डाउट है स्टील सिटी वाला कौन सा क्वेश्चन था चलो ऐसे ही मुझे बता दो स्टील सिटी वाला कौन सा क्वेश्चन था मेरे को कर दो, कौन सा था? नमस्ते अशोक नमस्ते सभी को नमस्ते है हिंदुस्तानी गर्ल वेरी वेरी गुड इवनिंग माई डियर वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम सभी का तो अहमदाबाद हमारा क्या है साबरमती तट नदी के तट पर है अहमदाबाद ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ठीक है चले नासिक किस नदी के किनारे स्थित है चलिए बेटा प्रिया एक बार मेरे को शहर का नाम बता दो क्वेश्चन क्या था राउरकेला अच्छा प्रिया रही राउरकेला? चलिए मेरी क्लास में इस समय फिफ्टीन स्टूडेंट है

देखो हम लोग को मोटिवेशन किससे मिलता है आपके लाइक like से एंड आपके शेयर से अगर आप लाइक like और शेयर करोगे तो एक टीचर सीरियस नहीं एक टीचर शेयर like तो चाहिए ना बेटा चले क्या होगा यहाँ पे ये होगा हमारा गोदावरी ठीक है तो नासिक अभी तो देखा था हमने गोदावरी नदी के तट पर महाकुंभ लगता है यहाँ पे महाराष्ट्र में है जस्ट अभी हमने देखा था ठीक है चलिए ओके मैम अपनी सभी क्लास की टाइमिंग बता दो हाँ बिल्कुल चलो मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे प्रिया कह रही है राउर केला ब्रह्मणी नदी के तट पर है ओके ब्राह्मणी नदी के तट पर है ठीक है और कौन बताएगा प्रिया के अलावा मुझे कौन बताएगा और कौन मेरी क्लास में आंसर करने वाला है कि राउर केला किस नदी के तट पर है देखते हैं प्रिया के अलावा कौन आंसर करता है ठीक है एक्टिव रहा करो

और मेरी ऐप पर चलती है एक क्लास चलती है मेरी ऐप पर कब मॉर्निंग में नाइन थर्टी ए एम नाइन एम मेरी कहाँ चलती है बच्चे ऐप पर चलती है क्लास ये आपको याद रखना है ठीक है जहां पर एक एकदम प्रॉपर एकदम थ्योरी के साथ आपको कराई जा रही है इस समय में हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ आपको ठीक तो ये आपको याद रखना है ये तीन टाइमिंग है मेरी क्लासेस के तो आप नोट कर लेंगे निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है तो कौन सी नदी के बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है विभाग का बहुत बार पूछा गया है ठीक है ओके सो कह रहे मैम आपकी टीचर कैसे टी शर्ट कैसे मिलेगी बताओ टी शर्ट तो बेटा नहीं मिलेगी टीचर्स टी शर्ट तो ये टीचर्स के लिए होती है है ना ये तो यहाँ पे जो भी आपके एजुकेटर्स होते हैं उन्हीं के लिए होती है चले ओके ठीक है तो बात करते हैं कौन सा राप्ती ठीक है राप्ती नदी के अब देखो दो कंफ्यूज कन्फ्यूज मतुना एक है ताप्ती ठीक है बच्चे एक है हर्राप्ति ताप्ती नदी के तट पर हमने देखा था मैम के क्या है सूरत है क्या है मैम सूरत है जो कि हमारा कहां पर है गुजरात में जो कि कहां पर है गुजरात ठीक है गुजरात का शहर है और हमने देखा मैम राप्ती राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर है ठीक है जो कि कहां पर, पर है आपको उत्तर प्रदेश में तो राप्ती और ताप्ती दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है कंफ्यूज नहीं होना याद रखेंगे चले बहुत बार। ये बारी नदी से इतनी बार क्वेश्चन बनाया भयंकर भयंकर क्वेश्चन बनता है और यूपी का तो बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है तो याद रखना थोड़ा सा इसको ठीक है चलिए ओके ठीक है बिल्कुल नौकरी लगने के बाद नहीं मिलेगी मैम प्लीज बताइए अरे बेटा

किन राज्यों से होकर बहती है तो भैया चंबल जो है किन राज्यों से होकर बहती है और चंबल किस लिए जानी जाती है गैस अपने जो है उत्खनन के लिए या हम कह सकते हैं उसके लिए महाखड्ड महाखड्ड बनाने के लिए जानी जाती है यानी मिट्टी का सबसे ज्यादा अगर कटाव करने वाली रिवर है कोई भारत में सबसे ज्यादा तो चंबल नदी ही करती है. आपने सुनी वो मूवी देखी है कौन सी <coughs> चंबल की रानी फूलनदेही है ना उसके ऊपर एक मूवी बनी है ना कोई आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा ठीक है चलो <coughs> ओके यूपीएम पी राजस्थान बहुत अच्छे वेरी गुड वीर तो तीन राज्यों से बहती है बिल्कुल सही है चलो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए मैम अरे भाई ठीक है ठीक है आप आ जाइएगा इंस्टीट्यूट आपको बोल लेंगे है ना कि भाई सेलेक्ट होकर आए हैं सेलेक्ट तो हो लो पहले सेलेक्ट तो हो लो ये तो वो वाली कंडीशन हो गई एक बार मैंने Alexa से पूछा मैंने कहा मेरे भाई ने पूछा कि अलेक्सा मुझसे शादी करोगी तो Alexa बोली कि मेरा अभी कोई बन नहीं है ठीक है मेरे भाई ने दोबारा पूछा मुझसे शादी करोगी Alexa बोली आप बार बार मुझे इरिटेट कर रहे हो यही क्वेश्चन पूछ के मेरा शादी का कोई भी मूड नहीं है वो जवाब देती है बहुत अच्छे से ठीक है मेरे भाई ने तीसरी बार पूछा अलेक्सा मुझसे शादी करोगी तो कहती चलो आप इतना फोर्स कर ही रहे हो तो कर ले रही हूँ लेकिन एक शर्त है वो शर्त यह है आपको मेरे लिए मून पर क्या बनाना होगा एक प्यारा सा घर बनाना होगा चांद पर तो भैया ना तो हमारा भाई चांद पर घर बना सकता है ना ही शादी करेंगी तो वही वाली कंडीशन है आप जल्दी से जॉब ले लो है ना पहले जॉब तो ले लो बेटा अब ये नहीं है कि मैम हम ले नहीं सकते बिल्कुल ले सकते हो बिल्कुल ले सकते हो वो तो एक अलग वाला था क्वेश्चन है ना चांद तो बहुत मुश्किल बात है जॉब कोई बड़ी बात नहीं अगर अच्छे से पढ़ोगे प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ले सकते हो ठीक है तो सलेक्शन लेके आना आप आराम से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवं राजस्थान तीन राज्यों में फैली है हाँ आपकी चंबल नदी, ठीक है? याद रखेंगे खूब खूब। पूछा गया क्वेश्चन है, ओके, सिंधु की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है चलिए तो ये सिंधु की ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है ठीक है ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर ठीक है अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती कौन सी अब ये नदी का मैं थोड़ा सा आपको बता दूगा उदगम कहां से आती है बच्चे तिब्बत से आती है कहां से तिब्बत से आती है मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से यानी लेक के पास से नदी क्या है आती है मानसरोवर झील से और कहां पर कहां पर आती है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के में एक दर्रा है बच्चे कौन सा शिव किला शिव किला शिवकिला दर्रा शिप किला दर्रा है इस दर्रे से कहां प्रवेश करती है ये बच्चा पार्टी भारत में प्रवेश करती है किस में माइडिया भारत में प्रवेश करती है देन आगे जाके किस में मिल मिल जाती जाती है है व्यास व्यास नदी नदी में में किस में किस मिलकर यहाँ पेम का निर्माण करती है एक बांध का निर्माण करती है इसका नाम क्या है हरिके बैराज हरिके हरिके बैराज बैराज बांध का निर्माण करती है देन जो व्यास है है ना और आपकी सतलज है इन दोनों की जो संयुक्त धारा है बच्चे कहाँ चली जाती है सिंधु में मिल जाती है किसमें सिंधु में जाकर मिल जाती है इन दोनों की संयुक्त धारा और सिंधु नदी तो सभी को पता है पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट नाम की वहां पर अपना जल विसर्जित कर देती है अब ये है है अरब सागर के तट पर ठीक यानी अरब सागर में अपना जल गिरा देती है चलिए गिराती गुड इवनिंग चलिए सभी को गुड इवनिंग है ओके तो यहाँ पर मेरी पूरी क्लास कह रही है सतलज बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड सतलज नदी की हम लोग बात कर रहे हैं बहुत बढ़िया ठीक है यहाँ से जो दो तीन पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं वो याद रखना बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि किस दर्रे या किस पास से भारत में एंटर होती है तो बच्चे शिपकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है ठीक है पूछा जाता है कि सतलज और व्यास नदी के संगम पर है ना इनका जो संगम है वहां पर कौन सा डेम है तो हरिके बैराज डेम है याद रखेंगे बहुत पूछा गया क्वेश्चन है बहुत ज्यादा चलिए <laughs> ओके निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है तो भाई इनमें से कौन सी रिवर है जो एमपी से इसका ओरिजिन है एंड जो गल्फ एम गल्फ ऑफ खंबात में जो है कैम्बे ठीक है यहाँ पे खंबात गल्फ गल्फ ऑफ खंबाद दे रखा है ना चलिए इसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोल देते हैं यहीं पर क्या करती है बेटा अपना माउथ यानी अपना मुहाना बनाती है ठीक है चलिए तो कौन सी ऐसी रिवर है अब ये खंबात की खाड़ी कहाँ पर है मैम तो ये है गुजरात में कहां पर है बच्चे गुजरात गुजरात में है आपकी खंबात की खाड़ी ठीक है गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं मध्य प्रदेश से निकलती है तो मेरी क्लास कह रही है माही बिल्कुल <coughs> सही देखो लड़कियों आपने एक चीज कभी नोटिस की जो हमारी रिवर्स है लड़कियों के नाम पे इनाम होते हैं ना लड़कों के नाम पे होते नहीं है अब देखो कितनी प्रायोरिटी जा, दी जाती है लड़कियों को देख रहे हो चलिए माही नदी ठीक है क्या होगा माही नदी बिल्कुल सही है अब माही नदी की एक विशेषता है जो हमें याद रखनी है बार बार पूछी जाती है माही नदी हमारी जो कर्क रेखा है जो कि हमारी साढ़े तेईस डिग्री पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे हमारी क्या है माही नदी ऐसे करके जाती है तो माही जी इसको दो बार काट देती हैं क्या करती है माही जी आती है कि कौन सी ऐसी भारत की नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को दो बार काटती है तो माही नदी है क्लियर है अब क्योंकि हम इस क्वेश्चन पे है तो दो पॉइंट और करा दे रहे हैं बच्चे विश्व की हम कहें विश्व की यानी वर्ल्ड

कौन सी है कौन सी है बच्चे लिम्पोपो लिम्पोपो ठीक है लिम्पोपो रिवर है ये किसको काटती है ये दो बार काटती है बच्चे किसको मकर को ये दो बार काटती है किसको मकर रेखा को मकर मकर रेखा तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कर्क रेखा को कौन सी काटती है मकर रेखा को कौन सी रेखा को कौन सी सी काटती काटती है 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 आपकी इक्वेटर यानी डिग्री या भूमध्य रेखा को तो तीनों रिवर आपको याद रखनी लिम्पोपो साउथ अफ्रीका में मकर को काटती है कांगो आपकी इक्वेटर पे हमारी भूमध्य रेखा को काटती है आपकी सेंट्रल अफ्रीका में है और माही भारत की है जो किसको माही जी काटती है आगे कर्क रेखा को काटती है ठीक है तो भाई चलो ये याद रखना चलो यहाँ पे कह रहे हैं लड़कों के नाम कुछ खास नहीं है इसलिए नहीं होते ऐसा कुछ नहीं है जो रिवर्स है है ना हम जो नदियां हैं हमारी क्या है इनके नाम पर भी चलो ओके ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन ठीक है मेरे भाई और बहनों सेशन को शेयर कर दो हाँ भाई ये हुई ना दिल की बात है ना प्लीज मैम का चैनल बहुत आगे पहुंचाना बिल्कुल ये हुई ना दिल से बात एकदम शेयर करो एकदम प्यारे तरीके से प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स की तरह अरे वो बात सुनिए ना कि युवा में तो इतनी ताकत होती है कि पूरा देश क्या पूरा विश्व हिला सकता है है ना तो आपको मेरी एक क्लास में एक धमाका नहीं किया जा रहा कि किसी दिन मैं आऊं और मिले मुझे सरप्राइज एकदम धप्पा जो होता है ना छुपन छुपाई धप्पा खेलते हैं कि मैम सरप्राइज मैं शॉक जाऊं अरे मेरे स्टूडेंट ने इतना ज्यादा शेयर किया है ना क्लास को शेयर किया करो बहुत ज्यादा निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अब ये नहीं पूछ रहा है कि भैया सही नहीं है है ना इनमें से कौन सा कथन कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर नॉट ट्रू यानी करेक्ट नहीं है चले तो दे महानदी का उद्गम स्थल कहां से है बच्चे छत्तीसगढ़ से महानदी का जो ओरिजन है वो कहता है छत्तीसगढ़ से होता है गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र से यानी गोदावरी का ओरिजन महाराष्ट्र से है कह रहा हैं कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश यानी कावेरी का जो ओरिजन है आंध्र प्रदेश है या ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश से है ये कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है ठीक है करेक्ट नहीं है चलिए ओके यहाँ पे नरेश जी कह रहे हैं ए होगा एस 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 क्या के कुछ नहीं लिखा है ये कह रहे हैं ऑप्शन सी होगा चलिए हिंदुस्तानी कह रहे हैं ए सक्सेना जी कह रहे हैं ए चलिए देखते हैं क्या होगा प्रिया कह रही है कावेरी कावेरी बिल्कुल सही है है अरे अरे एक मिनट बेटा क्या बात भाई यहां पे नरेश जी प्रिया और सक्सेना तीन स्टूडेंटों का हाँ प्रिया नरेश जी और एस एस तीन स्टूडेंटों का सही है बहुत अच्छे वेरी बैर, गुड कावेरी नदी का जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है इसका उद्गम उद्गम यानी ओरिजन ठीक है तो कहाँ से आती है कावेरी कौन बताएगा अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था चार तीन राज्यों के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है कर्नाटक तमिलनाडु केरल और एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी ठीक है तो कहां से इसका और है कौन बताएगा मेरी क्लास का देखते कौन चाणक्य की उपाधि ले जाता है महानदी बिल्कुल सही है छत्तीसगढ़ है ना छो, छोटा नागपुर के पठार से आती है उड़ीसा की जो है मेजर रिवर है गोदावरी बिल्कुल सही है महाराष्ट्र से है ना महाराष्ट्र से इसका जो है उद्गम है एक पहाड़ी है त्रयम वकेश्वर वहां से ताप्ती नदी बिल्कुल सही है मध्य प्रदेश से आती है आपकी सतपुड़ा रेंज से निकल के आती है बिल्कुल सही है चलिए तो कावेरी मुझे बताओ इसका ओरिजिन कहां से है चलिए ओके ओके यहां पे मेरी क्लास में आंसर आया एस एस कह रहे हैं अच्छा डिलीट कर दिया ब्रह्मगिरी हिल कह रहे थे ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक प्रिया कह रही है कर्नाटक बिल्कुल बेटा कर्नाटक से तो आती है लेकिन कौन सी हिल से आती है ये मुझे बता दो ये मुझे बता दो कौन सी हिल से आती है ठीक है चलिए निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है ठीक है जल ग्रहण क्षेत्र मतलब कैचमेंट एरिया की बात कर रहा है क्या कर रहा है बच्चे ये कह रहा है जो कैचमेंट एरिया है वो कौन सा है अब ये कैचमेंट एरिया कौन सा होता है मैं आपको बता दू मान लो कोई रिवर आई ऐसे इठलाती हुई लहराती हुई डांस करती 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 ऐसे है ना अब भैया ये डांस कर रही है इनमें आके और भी कुछ लोग डांस करते 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 ऐसे मिल गए और भी ऐसे रिवर्स मिल गई है ना ये रिवर इसकी डांस करते करते मिल गई अब इसमें भी कुछ इठलाती हुई लहराती हुई कुछ रिवर आ गई है ना ये ऐसे सारी इथलाती इथलाते इनमें मिल गई ये ऐसे वृक्ष ऐसे कुछ भी बन गया हमने कि भैया इनकी भी जो छोटी-छोटी भी ट्रिब्यूटरी है ये सारी अब ये जो हमने रिवर देखी इसकी जो भी हैं है ना ये सब अब इसका कैचमेंट एरिया कौन सा होगा ये पूरा इसका कैचमेंट एरिया है ठीक है यानी जहां जहां से एक रिवर वाटर को खींच कर लाती है है ना पानी को अपनी तरफ लेकर आती है कैच करती है वो सारा का सारा उसका कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र होता है ठीक है ये याद रखना मैं एक मेजर नदी है जैसे मान लो ये गंगा है मान लो ये गंगा हो गई इसकी बहुत सारी सहायक नदियां फिर उनकी भी सहायक फिर उनकी भी सहायक तो जहां जहां से उस नदी में जल आता है वो सारी की सारी उसका कैचमेंट एरिया कहलाता है ठीक है क्लियर है चलिए ओके ओके, ओके मैम लोको पायलट की तैयारी कर रहा हूँ चश्मा बनवा लोको पायलट में, तो में क्योंकि देखो मुझे मेरे एक कजन है वो कर रहे थे तैयारी तो उन्हें जैसे आपके कलर्स पूरे अच्छे तरीके से दिखना चाहिए कलर्स में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए है ना मतलब आपको रात में भी पता चलना चाहिए कि हाँ कौन सा कलर है क्योंकि भाई सिंपल आपका सिग्नल वगैरह का काम रहेगा वहाँ पे तो चश्मा अगर आपकी आंखें वीक है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पे आंखों का तो सबसे कृष्णा बड़ा, बड़ा तो 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 भी नहीं है गोदावरी का है सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र याद रखेंगे और भारत में सबसे बड़ा अगर मैं कैचमेंट एरिया कह दू तो कौन सी रिवर का है कौन आंसर करेगा भारत में कैचमेंट एरिया सबसे मेजर किस रिवर का है और बच्चे क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाओ अगर क्लास अच्छी लगती है तो ठीक है ईमानदारी तो like तो 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 के साथ like करते जाओ, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ठीक है अब ये कह रहा है जो प्रायदीप भारत है उसकी सबसे लार्जेस्ट रिवर है ना कह रहा है विच इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ पैने इंडिया ठीक है कौन सी है चलिए ओके <coughs> okay. ओके okay. ठीक है आंसर करेंगे तो प्रिया कह रही गोदावरी सक्सेना जी कह रहे हैं गंगा माता बेटा तो प्रायदीप भारत की बात कर रहा है भारत की नहीं कर रहा है ठीक है ये कह रहा है <laughs> मैम आप मैकअप लगाकर आया करो कौन कह रहे हैं यहाँ पे प्रसून त्रिपाठी कह रहे हैं चलिए -up up तो नहीं लगाती बेटा, मैं, और आप सभी को पता है कॉमन सेंस थोड़ा लगाना मार्केट जो है ना फीमेल के फीमेल से ही चलती है वरना तो मेल्स लोग का इतना शौक नहीं होता ना तुम लड़के लोग का तुम लोग अच्छे कपड़े पहना दो बस वो लड़कों का मैंने देखा है हेयर स्टाइल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कपड़े अच्छे होने चाहिए है ना बस इतना लड़कों का रहता है शूज़ अच्छे होने चाहिए भैया लड़कियों का ये मेकअप वो मेकअप वो मैकअप एक काजल इतना इतना महंगा आता है हद हो गई पूरी मार्केट फीमेल से चलती है शादी के बाद पूरा हस्बैंड को लूट लेती हैं पूरा भयंकर तरीके से चले बेचारा हस्बैंड भी पछताता है कि कहाँ शादी वादी करके फंस गए क्या होगा गोदावरी अभी जस्ट तो देखा हमने ये क्वेश्चन जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया इसी का है तो ये कह रहा है आपका जो भारतीय प्रायद्वीप है उसकी सबसे बड़ी जो है प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो गोदावरी है क्यों गलत कर रहे थे मेरे को समझ भी नहीं आया ठीक है ओके तो यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे बीच में गाइस ये दे रखा है हमारा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तो एट दी रेट ओलीवोर्ड के नाम से है एट दी रेट ओलीवोर्ड एस एस सी तो आप लोग इसको जरूर 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 ज्वाइन करेंगे ठीक है चलिए ओके मैम मेरी मम्मी आपको नमस्ते बोल रही है मेरे पास में है मम्मी अरे भाई मम्मी जी को अरे भाई क्या बात कर रहे हो बेटा मम्मी जी को मेरी तरफ से प्रणाम बोलना ठीक है ठीक है मेरी तरफ से और मम्मी जी से बोलना थोड़ा अपना आशीर्वाद वगैरह बनाए रखे हम पे चले है ना मम्मी जी को प्रणाम बोलना मेरी तरफ से ओके ठीक है तो यही पे गाइस हमारी क्लास का तो हो गया बच्चे दी एंड

ओके okay. भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है ठीक है विच इज द दाइएस्ट रिवर डैम इन इंडिया जल्दी से आंसर करेंगे हाईएस्ट रिवर डैम इन इंडिया आंसर करेंगे कुा भाकड़ा नागल सरदार सरोवर या हमारा टिहरी बांध अब जरा इनके स्टेट्स देख लो हीरा कुा कहाँ है बच्चे ओडिशा में है कहाँ पर बच्चा पार्टी ओडिशा में है ठीक है भाकड़ा नागल कहां पर है इसका मुझे बताओ ये मैं जब भी पूछती हूँ बच्चे मेरे को गलत ही आंसर करते हैं कौन है मेरी क्लास का ऐसा चाणक्य जिसका नाम बोर्ड पे आने वाला के के पेड ओके, वेरी, वेरी ओके थैंक यू सो मच मैम जी आपकी क्लास का वेट कर रहा था ओके वेलकम वेलकम ओके सहानी सहानी हीरा कुा है उड़ीसा का चलिए बहुत अच्छे प्रिया कह रही है टेहरी है ओके प्रसून कह रहे हैं पंजाब ओके मेरी क्लास में सबके आंसर नर नरेश जी कह रहे हैं टेहरी चले भाई सक्सेना जी कह रहे हैं बी होगा है ना क्या होगा टेहरी बांध ऑप्शन होगा हमारा डी टेहरी बांध बहुत अच्छे पर है बांध हमारा उत्तराखंड में है कहाँ पर है उत्तराखंड में किस नदी पर है बच्चे भागीरथी 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 नदी यानी वही हमारी गंगा का ही नाम है सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है बच्चे नर्मदा नदी पर कहा पर है नर्मदा नदी गुजरात कहाँ पर है गुजरात गुजरात में है यहीं पर किसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची स्टैचू बनी है कितने फीट की बनी है एक सौ बयासी फीट की बनी है ना लेकिन अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन मैं पूछ रही आपसे फीट अब ये बताओ भारत की सबसे ऊंची स्टैचू कौन सी बन गई अभी कुछ दिन पहले करंट में था कौन बताएगा भारत का सबसे ऊंचा स्टैचू अब कौन सा बन गया है पहले तो यही था लेकिन बेटा अब दूसरा स्टैचू हो गया अब सबसे ऊंचा कौन बताएगा कौन बताएगा चलिए तो क्या होगा भाखड़ा नागल बिल्कुल सही है मेरी क्लास में जो पंजाब कह रहे हैं ध्यान देना पंजाब हो गया आपका ठीक है और आपका हिमाचल ठीक है पंजाब और बेटा हिमाचल है ना इसका जो ध्यान देना इनके बीच में एक भाखड़ा नागल करके एक बांध भी है ठीक है भाखड़ा नागल करके एक बांध भी है इनके बीच में बहुत अच्छे वेरी गुड वेरी गुड चले ओके क्लास को लाइक एंड शेयर करेंगे ओके 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 मेरी क्लास में प्रिया कह रही है भाकड़ा इन हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है भाकड़ा हिमाचल में है और नागल कहाँ पर है बच्चे पंजाब में इसीलिए भाकड़ा नागल डैम कहाँ पर है पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे पड़ता है ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से और किस नदी पर है ये सतलज नदी पर है किस पर है सतलज रिवर पर है ये आपको याद रखना है हीरा कुा उड़ीसा में है महानदी पर है ठीक है ये भी आपको याद रखना है सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है गुजरात में है टेहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड में है ठीक है

क्लास को लाइक एंड शेयर करते जाएंगे बेटा लाइक like करेंगे एंड शेयर करेंगे भारत में सबसे लंबा बांध है अब ये कह रहा है लॉन्गेस्ट पीछे इसने पूछा था हाईएस्ट अब ये कह रहा है लॉन्गेस्ट डैम ठीक है द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज आंसर करेंगे ठीक है लॉन्गेस्ट डैम की बात कर रहा है अब यहाँ पे इसने कुछ ड्रेन दिया हैं। फिर से भागड़ा नागल तो हम अभी पीछे देख कर आए भागड़ा नागल के बारे में हीरा कुंडा अभी हमने जस्ट पीछे देखा कोसी बांध कोसी नदी पर है कोसी हमारी कहाँ से आती है नेपाल हिमालय से आती है है ना सप्त तो कोशी के नाम से यानी नेपाल हिमालय से सात धाराओं में नदी निकलती है सात धाराएं निकलती हैं उनको मिलाकर एक कोसी रिवर बनती है तो ऊपर उनको सप्त तो कोशी कहते हैं ठीक है थीके? ठीक है ये भी आपको याद रखना है कोसी अपनी बाढ़ के लिए जानी जाती है बिहार का शोक कहलाती है इनमें से तो कौन सा है और नागार्जुन सागर बांध जो है आपका किस पर है इसको देख लो कृष्णा नदी पर है कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर बांध और नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस राज्य में है तो याद रखना बच्चे तेलंगाना ठीक है तेलंगाना और आपका आंध्रा तेलंगाना और आंध्रा के तट पर पड़ता है बॉर्डर पर पड़ता है ठीक है नागार्जुन सागर बांध चले ओके यस मैम यस मैम ऑफिशियल कह रहे हैं यस मैम समझ में आ रहा है चलिए भाई ओके okay, मैम अपनी इंस्टा आईडी बता दो अरे भाई चलिए मैम पाकिस्तान की सीमा में कौन सी फोर्स रहती है पाकिस्तान की सीमा में अब पाकिस्तान की सीमा तो भारत में ही आ गई है है ना पाकिस्तान की सीमा तो भारत में ही आ गई है चलिए <laughs> तो, ओके यहाँ पे ईडी कह रहे हैं सी नरेश जी कह रहे हैं ऑप्शन जी होगा ओके सक्सेना जी कह रहे हैं कुंडा बिल्कुल सही है बेटा बिल्कुल बहुत अच्छे वेरी गुड अच्छा तुम लोग को बेटा बेटा बोलते कोई तो नहीं होता एक बार लाइव क्लास में बच्चे एक मतलब था एक सेशन जिसमें पढ़ाती थी बच्चों को वहां पे बड़ी दो तीन ऐसे बच्चे थे अरे मैडम बेटा बेटा मत बोलो अरे मैडम अरे क्या बोलेंगे बेटा अब स्टूडेंट हो आप लोग ऑब्वियसली तो स्टूडेंट हो क्या बोलेंगे बच्चे बोलेंगे बेटा बोलेंगे है ना डियर बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे तो बिल्कुल भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है गाईस? हमारा हीरा कुंडा बांध है जो उड़ीसा में है है ना और जो कहां पर है उड़ीसा में है और किस पे महानदी पर है ठीक है चलिए ओके ओके okay, तो गाइस यहीं पे हम देखो इसको लास्ट क्वेश्चन को करते हैं देन हम क्या करेंगे इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे है ना क्योंकि समय इजाजत नहीं देता कल कल फिर फिर मिलते हैं आपका खून पीने आ जाऊंगी मैं है ना बच्चे कहते होंगे बड़े मैडम रोज रोज खून पीने आ जाती है टेहरी बांध निम्न में से किन दो नदियों के संगम पर है चलिए टेहरी बांध कहाँ पर है यूके यानी उत्तराखंड में है भागीरथी नदी ठीक है एक तो भागीरथी चलो मैंने आपको आंसर बताई दिया भागीरथी और दूसरी नदी कौन सी है ठीक है भागीरथी और कौन सी नदी के संगम पर टेहरी बांध है चले ठीक है चलो आंसर करेंगे क्लास को भी शेयर करेंगे मैम गुड्डा गुड्डा बोला करो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गुड़िया ये ये अच्छा है बिल्कुल सही है है सही चलो ठीक चाचा बोलिए उनको हाँ ये भी सही है चाचा वाचा अंकल वंकल बोल देंगे सही रहेगा है ना अच्छा चाचा से मुझे याद आया ये दिल्ली में बड़ा ही लोचा है एक बार ऐसे मेट्रो में जा रहे थे हम तो एक मतलब आप यकीन नहीं करोगे मतलब मैं नॉर्मली जल्दी से किसी को अंकल वंकल बोलती नहीं हूँ मैं नहीं बोलती ठीक है भैया बोलती लेकिन बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग थे अरे मैं अंकल दिखाई दे रहा हूँ आपको मैं अंकल दिखाई दे रहा हूँ ये वो मैं उसको बोली मैंने बेटा थोड़ा सा हु। <laughs> क्या बोलती तो वहां पे जितने भी लोग थे ना वो सब देखने लगे अरे फिर और क्या बोलते अब अंकल आपको बोला पचा नहीं तो मैंने बोला बेटा थोड़ा ना तो बस फिर वो मेरे को ऐसे घूर रहे जैसे खा जाएंगे पूरा जब तक नेक्स्ट स्टेशन आया वो उतरे वो उनकी नजरें ऐसे लग रहा मुझे खा जाएंगे पूरे तरीके से चलिए ओके भागीरथी और भीलांगना याद रखना है तो भागीरथी और भीलांगना के तट पर क्या है बच्चे हमारा टेहरी बांध है याद रखेंगे अच्छा यहाँ पे एक नदी है भागीरथी और अलकनंदा भागीरथी और अलकनंदा यहाँ पे ही देव प्रयाग देव प्रयाग पर ये दोनों नदियां मिलती हैं बच्चे ध्यान देना है। और यहीं पर देव प्रयाग पर मिलने के बाद क्या बनाती है है ये गंगा गंगा का का रूप लेती है। किसका गंगा का। तो याद रखना एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो भागी रथी नदी है जो भागीरथी नदी वो कहां पर गंगा के रूप में जानी जाती है कहां से तो भागीरथी आती है इधर से इधर से आई अलखनंदा दोनों के संगम पर देव प्रयाग है देव प्रयाग के पे ही क्या है यहाँ से जब निकलती है रिवर तो गंगा के नाम से जानी जाती है ओके चलिए मुझे बेटा बोला करो मैम अच्छा लगता हम कहें एक रिलेशन होता है, है ना तो वहां पर अगर हमको बेटा बोला और मुझे लगता है लगता है क्या है ऑब्वियसली हम आपसे एज में बड़े होंगे क्योंकि आप लोग वनडे की तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है सभी जहां तक होंगे मुझे लगता है मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव के होंगे आप लोग इसके अंडर ही होंगे सारे ट्वेंटी वन ट्वेंटी बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं मैम हम टेंथ की तैयारी कर रहे हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे अब उनको बताओ बेटा नहीं बोल रहे तो क्या बोले हम लोग भाई पी वगैरह हम लोग की हो चुकी है कंप्लीट कब के हम लोग कर चुके हैं तो हम लोग की तो आपसे तो बहुत बड़े हैं हम लोग है ना चले

तीन चीज मैं पढ़ाऊंगी एंड आपके सर इंग्लिश पढ़ाएंगे सर मैथ पढ़ाएंगे मैम रीजनिंग एंड मैम आपको साइंस एंड स्ट्रेटिक जीके का और पोर्शन पॉलिटी वगैरह कवर कराएंगे अब यहाँ पे जानने वाला क्या चीज है ये जो आपका कोर्स है गैस यहाँ पे एक आपको जो है थर्टी फाइव जो है परसेंट का छूट दी जा रही है

बीस आपको पीवाई क्यू के full length टेस्ट मिलेंगे, विद एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा आपको 75 फाइव टाइपिंग टेस्ट मिलेंगे ठीक है बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी और याद रखना इस क्लास को आप जब तक आपका एग्जाम होगा एकदम आप तब तक देख सकते हो आराम से देख सकते हो आप इन क्लासेस को ठीक है

जो हॉलीवुड वाला भी नया हमारा चैनल लॉन्च हुआ है उस पे चलती है और ये जिस क्लास में अभी आप हो ये ये तो चलती चलती है ये चलती है ना कब रेलवे वाली क्लास एट पी ठीक है तो ये मेरी क्लासेस के जरा आप लोग टाइमिंग देख लेंगे तो पंद्रह तारीख से यहाँ पर हम लोग मिलेंगे चले अब यहाँ पे कोई मोटिवेशन तो दे ही नहीं रखा है लेकिन फिर भी हम जरूर पढ़ेंगे एक मोटिवेशन प्यारा सा बोलेंगे एंड क्लास को दी एंड करेंगे चले ओके सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए समझ पा रहे हो तो बैठे बैठे ख्याली पुलाओ मत पकाओ सोचो मत कि भैया वर्दी मिल गई सोचना अच्छी बात है कहते हैं ना विचार भी उच्च होने चाहिए लेकिन विचार के साथ साथ कर्म भी करना पड़ेगा है ना लगे रहो डटे रहो अपना हंड्रेड परसेंट दो और इसी के साथ हम क्लास को दी एंड करते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सभी को गुड नाइट मिलते हैं सुबह साढ़े छह बजे हमारे एस एस यू वाले चैनल पर करेंट अफेयर्स की क्लास में ओके गाइज थैंक यू सो मच बाय बाय टाटा टेक केयर थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत